और चुनाव के बीच कांग्रेस को लगा है बड़ा झटका। तेजिंदर सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रियंका गांधी के करीबी माने जाते थे तेजिंदर। तेजिंदर सिंह कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी के साथ चले गए हैं। इसे बड़े झटके के तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए माना जा रहा है। और एक के बाद एक लगातार कई बड़े नेताओं का कांग्रेस का साथ छोड़ने का मामला सामने आ रहा है। अब बताया जा रहा है कि तेजिंदर सिंह बिट्टू की ओर से कांग्रेस का साथ छोड़ दिया गया है। तेजिंदर सिंह बिट्टू बीजेपी में शामिल हो गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के करीबी थे तेजिंदर सिंह बिट्टू, जो कि अब कांग्रेस के नहीं बल्कि बीजेपी के कहलाएंगे। तेजिंदर सिंह ने इस्तीफा कांग्रेस पार्टी से दिया। पंजाब कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा तेजिंदर सिंह बिट्टू को माना जाता था। बताया जा रहा है कि अब बीजेपी के साथ वो जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल वो होंगे। पंजाब में कांग्रेस को लोकसभा चुनावों के दौरान ये बड़ा झटका। कल पहले चरण की वोटिंग हुई है। पंजाब में अभी लोकसभा के चुनाव होना बाकी है। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं और पंजाब में वोटिंग से पहले कांग्रेस को ये बड़ा झटका लगा है। हिमाचल के सह प्रभारी तेजिंदर सिंह बिट्टू ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वो पार्टी के महासचिव और हिमाचल प्रदेश के को इंचार्ज भी थे। लड़ी है संतोष सिंह चौधरी, जो 2014 में सांसद थे और 2019 में राहुल गांधी जी के भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान उनका स्वर्गवास हुआ। उसके बाद करमजीत कौर जी चुनाव लड़ी और बाद में आज वो भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत की संकल्पना को लेकर काम करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई है। वहाँ की कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज की प्रिंसिपल रही है, वहाँ के पब्लिक इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर रही है और उनके साथ एक कांग्रेस के ऑल इंडिया सेक्रेटरी, जो कई प्रदेशों के प्रभारी रहे, ऐसे तेजिंदर सिंह बिट्टू जी हिमाचल के प्रभारी तो रहे, पंजाब में कई कॉरपोरेशंस के चेयरमैन भी रहे। बिट्टू जी शायद रायबरेली के इंचार्ज भी, अभी उम्मीदवार तय नहीं हो रहा उनका, उसके भी इंचार्ज रहे। और रायबरेली का जो इंचार्ज है, इसका मतलब हम सब जानते हैं कि कितनी अहम भूमिका ऐसे व्यक्ति की वहाँ पर होती है। और आज तेजिंदर सिंह बिट्टू जी भी भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के इस यात्रा में जुड़ गए। मैं बिट्टू जी का और करमजीत कौर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उन दोनों के आने से भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पंजाब,